friends, this is Pravya and welcome to my channel. और आप सबको पता है कि मेरे midterm exams start होने वाले हैं, तो exams के preparation के लिए जो मैं timetable follow करती हूँ, वो आज मैं आप सबके साथ share करने वाली हूँ. So this timetable can be followed before an exam, like 10 days before, 20, 30. It's your wish whenever you want to start. So I follow this timetable and it helps me a lot in scoring good marks. So let's get started. This is my timetable for studies before an exam. और मैंने इसको सिंपल रखा है और बस फ्लावर से ही डेकोरेट किया है क्योंकि मेरा फ्लावर्स बनाने का ही मन कर रहा था और वैसे भी मुझे प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं. 6 a.m. is wake up time. मैं 6 a.m. उठ जाती हूँ and drink water. मुझे ना मॉर्निंग में उठ के एक आदत हो गई है कि मुझे ल्यूक वार्म वाटर पीना ही पीना है and exercise to stay fit. 7 a.m. is my first study session. और मैं पढ़ाई करते करते मिल्क और नट्स भी खा लेती हूँ, तो मुझे जो लगता है ना मॉर्निंग में ना वी आर फ्रेशन अप और वी आर एनर्जेटिक एंड वी आर रेडी टू टेक अ चैलेंज. तो पूरे दिन का जो भी सबसे ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट टॉपिक होता है ना, तो मैं उसको मॉर्निंग में ही कंप्लीट कर लेती हूँ ताकि ड्यूरिंग द डे मैं अपने ईजी टॉपिक्स कवर कर पाऊँ ईजीली. सो देन आफ्टर 1 आवर, which is 8 a.m. take a bath. Then 8:30 मेरी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, तो मैं वो करने बैठ जाती हूँ. फिर 10 o'clock मेरी ऑनलाइन क्लासेस का ब्रेक होता है, तो सबसे पहले मैं पूजा करती हूँ और फिर मैं ब्रेकफास्ट खाती हूँ. देन 10:30 a.m. वापस मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं एंड देन 12 o'clock मैं थोड़ी भूख लग जाती है इसलिए ना मैं फ्रूट्स खाती हूँ और फिर हाफ एन आवर का ब्रेक भी मिल जाता है स्टडीज से. क्लासेस भी फिनिश हो गई हैं, फ्रूट्स भी खा लिया है, हाफ एन आवर का ब्रेक भी हो गया है, तो चलो अब बैठ जाते हैं अपने सेकंड स्टडी सेशन पे. इस सेशन में मैं सबसे पहले अपना होमवर्क करती हूँ और फिर सेल्फ स्टडी करती हूँ एंड दिस सेशन इज़ ऑफ 1 आवर, विच इज़ फ्रॉम 12:30 टू 1:30. फिर 1:30 से मैं 1 आवर का ब्रेक लेती हूँ और डिशर में फिर कुछ खेलते हैं, मस्ती करते हैं, इंजॉय करते हैं. फिर 2:30 इसी लंच टाइम, तो हम लंच खा लेते हैं एंड 3 o'clock बहुत टायर्ड हो जाते हैं और रेस्ट भी चाहिए होता है, इसलिए हम आफ्टरनून नैप लेते हैं. फिर उठी मैंने एक टाइम फिक्स करा हुआ है मैथ्स के लिए, बिकॉज उसकी ना हर रोज़ प्रैक्टिस करनी होती है, दैट्स वाई. तो 4 o'clock रोज़ मैं मैथ्स की प्रैक्टिस कर. 4:30 इज़ ऑनलाइन एंड पेरेंट्स हेल्प. सो लाइक मैं मराठी की बेटर लर्निंग के लिए मैं कुछ ऑनलाइन वीडियोस देखती हूँ वो इम्प्रूव करने के लिए वाला सब्जेक्ट. एंड लाइक अगर ड्यूरिंग द डे जो भी मैंने टॉपिक्स या फिर चैप्टर्स कवर किए हैं, मुझे उनमें से कुछ भी कंफ्यूजन है या फिर नहीं आ रहा है, तो मैं मम्मा की हेल्प लेके वो भी इसी टाइम में फिनिश कर देती हूँ. देन आफ्टर 1 आवर, विच इज़ 5:30, इतनी पढ़ाई करके भूख तो लग ही जाती है ना, इसलिए अब हम इवनिंग स्नैक्स खाते हैं और मिल्क पीते हैं. देन 6 o'clock द बेस्ट टाइम इन अ डे, आउटडोर प्ले. इस टाइम मैं नीचे जाती हूँ और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलती हूँ, वो भी 2 आवर्स. भाई और मज़ा आ जाता है, हम स्विंग्स करते हैं, पार्क में खेलते हैं, बहुत मज़ा आता है. फिर 8 o'clock इतना खेल खेल के भूख तो लग ही जाती है. फिर आते ही मम्मा डिनर रेडी रखती है, तो हम वो खा लेते हैं. देन 8:30 इज टी वी टाइम, तो हमारा ना टी वी टाइम मम्मा ने फिक्स किया हुआ है कि हाफ एन आवर का ही है, बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस की वजह से भी इतना स्क्रीन टाइम हो जाता है ऑलरेडी. देन आफ्टर हाफ एन आवर, विच इज़ 9 o'clock, जो भी मैंने टॉपिक के चैप्टर्स कवर किए हैं मैं उन सबकी रिविजन करती हूँ ताकि मुझे वो क्लियर हो जाए और मेमोराइज हो जाए.
फिर 9:30 इज अ हॉबी टाइम बेसिकली. इस टाइम मैं रीडिंग करती हूँ हाफ एन आवर के लिए सोने से पहले, एंड देन 10 o'clock स्लीप. मैं 10 o'clock हर रोज सो ही जाती हूँ क्योंकि वापस हर सुबह उठ के जल्दी 6 o'clock ऑनलाइन क्लासेस के लिए रेडी भी तो होना है ना. दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो, एंड आई होप आपका मेरा एग्जाम्स के लिए टाइम टेबल अच्छा लगा. तो मैंने इस टाइम टेबल में 4 सेल्फ स्टडी स्लॉट्स रखे हैं. जो जो फोर्थ स्लॉट है विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, इट इज़ रिविजन एंड आई कॉन्ट मिस दैट. और आप भी अपने एग्जाम्स के लिए ऐसा ही टाइम टेबल बना सकते हो. तो अगर आपको चाहिए लाइक 5-6 स्लॉट्स चाहिए स्टडीज़ के, तो आप ऊपर नीचे थोड़ा कर सकते हो. इट्स योर विश कम्प्लीटली. सो अगर आपको मेरा टाइम टेबल अच्छा लगा ना, तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो. अगर सब्सक्राइब बटन रेड है तो उसको क्लिक करके ग्रे कर दो, और अगर वो ऑलरेडी ग्रे है तो उसको ऐसे ही रहने दो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.